नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए, मैं हूं सुमित झा। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। लेकिन कलाम साहब के इन विचारों का देश की सियासत पर उल्टा असर पड़ गया है। सियासतदान भी सपनों की बात तो जागते जागते ही करते हैं, लेकिन वो सपने देखते नहीं हैं, जनता को दिखाते हैं और उसे वोट के लिए बेचते भी हैं। लेकिन ये सपने ऐसे होते हैं जो चुनाव के बाद भले ही जनता को सोने न दें, लेकिन सियासतदान को 5 सालों तक चैन से सोने का मौका देते हैं। अब देख लीजिए, पैकेज की शक्ल में बिहार में इन दिनों सपने दिखाए जा रहे हैं। कोई 1,65,000 करोड़ का सपना दिखा रहा है, तो कोई 2,70,000 करोड़ का। मानो सियासतदानों में होड़ लगी है आंकड़ों का सपना दिखाने की। लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि चुनाव बीत जाने के बाद आप इन सपनों की वजह से भले ही ना सो पाएं, लेकिन नेताजी 5 साल तक चैन की नींद बजाएंगे। सपने झारखंड में भी आदिवासियों को बेचे गए थे, उनकी जमीन वापस दिलाने के। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए बने एसआईटी और एसएआर कोर्ट मानो चैन की नींद में सो रहा है, और इंसाफ मिलने के सपने के कारण आदिवासी इन दोनों सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज पुरवैया डीएनए में झूठे सपने दिखाकर सो जाने वाले सियासत और सिस्टम को हम जगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में पैकेज को लेकर चल रही राजनीति को नया मोड़ दे दिया। मंगलवार को भागलपुर में परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अगले 5 सालों में बिहार को 3,74,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसके लिए पीएम ने फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया। पीएम के मुताबिक ये पैकेज पिछले दिनों घोषित 1,65,000 करोड़ रुपए के पैकेज से अलग है। वहीं पीएम ने नीतीश के बीते दिनों 2,70,000 करोड़ पैकेज का जिक्र भी किया, जो कि संकल्प की शक्ल में नीतीश ने कहा था। अब बात पीएम मोदी के स्पेशल पैकेज को लेकर सियासत बढ़ते बढ़ते नीतीश के पैकेज पर होने लगी है, और खतरा इन दावों की पैकेजिंग की हकीकत खुलने का भी हो गया है। संप्रदायतंत्र जहर फैलाया, उन लोगों को मजबूरन पैकेज लेकर के आना पड़ा है। अब चुनाव सही दिशा में आया कि नहीं आया, उनके पैकेज के सच को भी उजागर किया जा चुका है बहुत ही स्पष्टता के साथ। एक तो पैकेज के बारे में कोई सफाई वो नहीं दे पा रहे थे। तो क्या बिहार में पैकेज एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है? तो क्या पैकेज के सहारे ही चुनावी नैया पार लगाने की कवायद हो रही है? पहले बिहार के लिए पीएम मोदी के स्पेशल पैकेज का ऐलान, और फिर मोदी के पैकेज पर नीतीश का सच, और विजन 2020 के बहाने 2,70,000 करोड़ के पैकेज की पेशकश, और अब एक बार फिर पैकेज पर शुरू हुई पॉलिटिक्स। बताने के लिए काफी है कि बिहार विधानसभा चुनाव में पैकेज एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। लेकिन सवाल है कि पैकेज पर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? आज बिहार में हर वर्ष विकास का जो बजट होता है वो 50-55 हजार करोड़ होता है। 50-55 हजार करोड़ एक साल का होता है। मुझे बताइए 5 साल का टोटल कितना होगा? 5 साल का टोटल कितना होगा? 2.5 लाख करोड़ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर 55,000 है तो 2,70,000 करोड़ के पास पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वार्षिक बजट है, जो ऑलरेडी अभी चल रहा है, पिछले साल भी था, उसके आगे वाले साल भी था, उसी का 5 गुना करके आपने बिहार की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया है। अगले 5 वर्षों में लगभग 2,70,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च आएंगे। उन्होंने प्रश्न उठाया, अब बड़ा विरोधाभासी वक्तव्य था प्रधानमंत्री जी के भाषण में। एक तरफ तो वो बता रहे हैं कि हमारा वार्षिक हमारा विकास का बजट क्या है, जो विकास का बजट का उल्लेख कर रहे थे वो योजना आकार बजट तो हमारा 1,20,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है, और हमने आपको बताया था
कि 25-26 हजार करोड़ रुपए का वार्षिक बजट था, उससे बढ़ करके अब 1,20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का वार्षिक बजट हो गया। और इसमें योजना का आकार, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकास का बजट, तो योजना का आकार भी 4,000 करोड़ से बढ़ करके इस वर्ष अब बढ़ते 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 57,000 करोड़ हो गया। और इसी गति से वो अगले 5 साल में योजना का आकार हमारा और आगे बढ़ता चला जाएगा। देश में तो 2.71 गुना बढ़ जाएगा 5 साल में, तो राज्य का अपना टैक्स की आमदनी नहीं बढ़ेगी। मोदी नीतीश के पैकेज पर सवाल उठा रहे हैं, नीतीश मोदी के पैकेज पर। आंकड़ों के इस दिलचस्प खेल में अब बिहार की जनता की भी दिलचस्पी बढ़ने लगी है, क्योंकि सवाल विकास के नाम पर छलावा का है, लेकिन सवाल है कि छलावा कौन कर रहा है। 14वां जो फाइनेंस कमीशन है, 14th फाइनेंस कमीशन, उसने जो कहा है उसके हिसाब से बिहार को 5 साल में भारत सरकार की तिजोरी से 3,74,000 करोड़ रुपया मिलने वाला है। भाइयों बहनों, जरा पूछना पड़ेगा कि भारत सरकार का 3,74,000 करोड़ आने वाला है, आप 1,70,000 करोड़ कह रहे हो, तो 1,06,000 करोड़ क्या चारे के लिए लगाया जाएगा क्या? खाता में डाला जाएगा क्या? 14वें वित्त आयोग के हिसाब से आज फिर 4.25 लाख करोड़ मिलेगा बिहार को 5 साल केंद्र सरकार देगी। ये दावा कितना खोखला है, और यह कहना देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कि केंद्र देगी, ये देने का प्रश्न नहीं है। जो केंद्र सरकार को देना ही है, केंद्र सरकार की ये ड्यूटी है, ये जो संघीय ढांचा है इसके अंतर्गत, तो वैसी परिस्थिति में इस बात का उल्लेख करना कि 5 साल में 4.25 लाख करोड़ हम देंगे, और उसी में उन्होंने जोड़ लिया कि 2,70,000 करोड़ रुपया तो इनका ये हो गया, अब बचा 1,08,000 करोड़, वो कहाँ जाएगा? हिसाब पूछ रहे, वो चारा बन जाएगा क्या? भाई आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसी हल्की बात अगर मुल्क के प्रधानमंत्री के द्वारा कही जाएगी तो मुल्क का क्या होगा? पैकेज पर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, कौन जनता की आंखों में धूल झोंक रहा है, इसका फैसला चुनावी नतीजों में पता चल जाएगा। लेकिन दशकों से जाति के इर्द गिर्द घूमने वाली बिहार की राजनीति में विकास के नाम पर पैकेज को लेकर हो रही सियासी बहस ने राजनीति में सकारात्मक बदलाव के बेहतर संकेत जरूर दे दिए हैं। भागलपुर से आनंद अमृतराज के साथ चंदन झा, जी मीडिया, पटना। लेकिन चलिए अब इस पैकेज पॉलिटिक्स का हम निष्पक्ष तौर पर डीएनए टेस्ट करते हैं, इस पैकेज का सच बताते हैं आपको। दरअसल बिहार की सियासत में इन दोनों पैकेज की शक्ल में सियासी सपने ही बेचे जा रहे हैं। रैली दर रैली पैकेज का दायरा बढ़ता जा रहा है। 18 अगस्त को आरा की रैली में पीएम मोदी ने बिहार के लिए 1,65,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने 2,70,000 करोड़ रुपए का संकल्प दिखाया। अब एक बार फिर बारी पीएम की थी। भागलपुर में उन्होंने कहा कि 1,65,000 करोड़ के अलावा बिहार को अगले 5 साल में 3,74,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। अगर इन तीनों आंकड़ों को जोड़ दें तो बिहार को अब तक करीब 8,00,000 करोड़ रुपए का सपना दिखाया जा चुका है। हालांकि ये जो पैसे हैं वो बिहार में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे सेक्टर में योजनाओं में खर्च किए जाएंगे, लेकिन अगर इन पैसों को 8,00,000 करोड़ को एक एक आदमी के बीच बिहार की आबादी के हिसाब से बांटा जाए तो बिहार के हर आदमी को करीब 7,60,000 रुपए मिल सकते हैं। ये आंकड़ा 2011 में बिहार की जनसंख्या 10.5 करोड़ थी, उस लिहाज से बांट कर हम देखते हैं तो, लेकिन ये एक सपना है। पैकेज की शक्ल में ये सपना बिहार विधानसभा की तारीख के घोषणा के पहले की है। अब देखिए, 18 अगस्त को पीएम मोदी ने पहली घोषणा की और 14 दिनों के अंदर 8,00,000 करोड़ की घोषणा हो चुकी है। यानी जिस तरह से घोषणा हो रही है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि चुनाव संपन्न होते होते बिहार के लोग लखपति से कहीं करोड़पति ना हो जाएं।
सपने में, लेकिन क्या ये वास्तव में संभव है? समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात पीएम मोदी के 1,65,000 करोड़ की। पीएम मोदी ने बिहार को 1,65,000 करोड़ का विशेष पैकेज देने की बात कही है, जिसमें 1,25,000 करोड़ का पैकेज है और 40,000 करोड़ का अतिरिक्त मदद। विपक्ष कहता है कि उन्होंने कोई विशेष पैकेज नहीं दिया है, पुराने की रीपैकेजिंग कर दी है। बिहार को दिया गया पैकेज पैकेज है या रीपैकेजिंग, इस सवाल का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि पैकेज में शामिल हर प्रोजेक्ट या तो पूरी तरह नया है या फिर वो प्रोजेक्ट शामिल हैं जो अभी तक शुरू ही नहीं हो पाए हैं। नीतीश ने 1,08,00,000 रुपए पुरानी योजनाओं का बताया था, यानी 1,25,000 करोड़ के पैकेज में से बिहार को महज 10,361 करोड़ रुपए का ही पैकेज जो स्पेशल के तौर पर देने की बात कही गई है। अब पैकेज की शक्ल में नीतीश कुमार के जवाबी संकल्प की भी बात करते हैं। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैकेज के जवाब में बिहार के लोगों को 2,70,000 करोड़ का संकल्प दोहराया और कहा कि 5 सालों में वो अपने संकल्प को पूरा करेंगे। अब उनके संकल्प को जरा इस तरह से समझते हैं। बिहार में वर्ष 2015-16 का बजट 1,21,000 करोड़ का था, जिसमें योजना मद का बजट 57,425 करोड़ का था, यानी सरकार विकास कार्यों में इस वित्तीय वर्ष में करीब 57,000 रुपये खर्च करेगी, 57,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अगर इसी साल से नीतीश कुमार ये राशि खर्च करते रहें तो 5 सालों में वो करीब 2,87,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, यानी इस तरह नीतीश सपना दिखाकर भी 13,000 करोड़ रुपये वर्तमान से कम खर्च करेंगे। हालांकि इसका जवाब वो दे सकते हैं कि टैक्स में बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिर भी ये अलग कैसे है? तो आपको बता दें कि केंद्र अपनी विभिन्न योजनाओं के मद में राज्यों को वित्तीय मदद देता है। सहायता में 70% ऋण के रूप में और 30% मदद के रूप में होता है। अगले 5 साल में केंद्र को बिहार को यह राशि देनी ही है। सवाल उठता है कि बिहार में छिड़ा पैकेज वार क्या सिर्फ सपना है, राजनीति है, या फिर बिहार के वोटरों के साथ मजाक? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार उन आदिवासियों के सपने की भी बात करेंगे जो सियासतदान ने दिखाए थे उनकी जमीन वापस दिलाने की, लेकिन वो सपने भी आज भी अधूरे हैं। झारखंड में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन की खरीद फरोख्त की गई। आदिवासियों को बहला फुसला कर उनकी जमीन पर कब्जा किया गया। इस बात का खुलासा मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में आ रही शिकायतों से हुआ है। इन शिकायतों पर सीधे तौर पर कार्रवाई के लिए और आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा की बात कही गई, साथ ही जांच के बाद ऐसी जमीन को वापस दिलाने का भरोसा भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आदिवासी अपनी लूटी हुई जमीन को वापस पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। न्याय की आस में लगा रहे हैं चक्कर, मिल रही है सिर्फ तारीख पर तारीख। ये हाल है रांची के एसएआर यानी शेड्यूल एरिया रेगुलेटरी कोर्ट का। इस कोर्ट का गठन आदिवासियों की हड़पी हुई जमीन को वापस दिलाने के लिए किया गया है, लेकिन बीते 8 महीनों से यहां अधिकारियों की गैर मौजूदगी की वजह से हजारों मामले लंबित हैं। ऐसे में आदिवासियों और मामले से जुड़े पक्षकार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, जहां उन्हें न्याय के बदले मिल रही है तारीख पर तारीख। बात ऐसा है कि ये तो सही है कि विगत 8 महीनों से, लगभग 8 महीनों से एसएआर कोर्ट जो है सो कोई काम वहाँ हो नहीं रहा है, क्योंकि जो भी ऑफिसर हैं वहाँ कोर्ट के लिए बैठ नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो आते हैं और जब हम लोग कोर्ट जाते हैं तो वहाँ हम लोगों को डेट दे दिया जाता है, और डेट दे दिया जाता है 2-3 महीने का डेट दे दिया जाता है। वहीं राज्य के भू राजस्व मंत्री अमर बावरी से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उनसे भी समस्याओं का हल नहीं बल्कि सिर्फ आश्वासन मिले। बंद नहीं है, चल रही है, कोर्ट तो बैठ ही रहा है, जो मामले हैं उसको फिर से किया जा रहा है, एक नया प्रस्ताव भी आ रही है। सूबे के मंत्री भले ही सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जांच के दौरान आदिवासी जमीन के हस्तांतरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है।
दूसरी ओर एसएआर के अधिकारियों और भूमाफियाओं से मिलीभगत के भी आरोप लगे हैं। सीएनटी एक्ट के तहत आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए बना रांची का एकमात्र एसएआर कोर्ट पिछले 8 महीनों से अधिकारी विहीन है। ऐसे में सहज ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आदिवासियों के हितों की रक्षा करने की बात करने वाली राज्य सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। कैमरामैन अरुण के साथ आशुतोष कुमार, जी मीडिया, रांची। एसएआर कोर्ट यानी शेड्यूल एरिया रेगुलेटरी कोर्ट 1908 के सीएनटी एक्ट में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक काम करती है। सीएनटी एक्ट 1908 को अनुसूचित जनजाति समुदाय की भू संपदा के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक रक्षा कवच माना जाता है। आदिवासी सीएनटी एक्ट की धारा 71A के तहत उक्त कोर्ट में आवेदन दायर कर अपनी हड़पी गई जमीन को वापस करने का अनुरोध करते हैं। एसएआर कोर्ट में सीएनटी एक्ट की धारा 46A के तहत आदिवासियों की जमीन के अवैध हस्तांतरण को रोकने का अधिकार देता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग अपनी जमीन अपनी ही जाति या वर्ग के लोगों को छोड़कर दूसरे के नाम स्थानांतरित नहीं कर सकते। अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए एक बाध्यता और है, उसके मुताबिक अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले अनुसूचित जनजाति के दूसरे लोगों के नाम अपनी जमीन स्थानांतरित कर सकता है। थाना क्षेत्र से बाहर रहने वाले अपने ही समुदाय के दूसरे किसी के नाम पर भूमि स्थानांतरित अधिनियम का उल्लंघन है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के किसी व्यक्ति की भूमि पर कोई 1969 के पहले से दखल कब्जा करके रह रहा हो तो भू स्वामी इस भूखंड की वापसी के लिए दावा ठोक सकता है। साथ ही 1969 से पहले सही तरीके से ट्रांसफर की गई जमीन का मामला खारिज हो जाता है या कोर्ट उसे उचित समझती है तो आदिवासी को उतनी ही जमीन दूसरी जगह दे दी जाती है या फिर उसका मुआवजा दिया जाता है और सारा खेल इसी की आड़ में होता है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 8 महीनों में लगभग 300 से ज्यादा मामले गरीब आदिवासियों के एसएआर कोर्ट में लंबित हैं। तो एसएआर कोर्ट में 300 से ज्यादा मामले लंबित हैं, वहीं एसएआर कार्यालय से कई रिकॉर्ड्स गायब हैं जिसका हिसाब किताब ना तो यहां के अफसरों के पास है और ना ही कर्मचारियों के पास। इसके अलावा एसएआर कोर्ट का ऑफिस अभी भी पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हुआ है। कंप्यूटर नहीं रहने से डाटा अपडेट नहीं है और रिकॉर्ड्स को मोटी मोटी गर्शी में बांध कर रखा गया है, लेकिन सपने यहां भी दिखाए जा रहे हैं आदिवासियों को कि उनका हक मिलेगा, उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन उसी सपने की वजह से चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं वो आदिवासी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। रांची में ट्रैफिक से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस ने अनोखा कदम उठाने की कोशिश की है। वो अनोखा कदम क्या है, पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर उस कदम की चर्चा करेंगे। रांची में ट्रैफिक सिस्टम को पटरी पर लाने के तमाम तरह के विकल्प अपनाने के बाद भी पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करने में नाकाम रही है। अब ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नई कवायद की है। अब तक का जो टोटल ट्रैफिक सिस्टम्स जो फंक्शन हो रहा था, बीच में हम लोग जोनल सिस्टम लागू किए थे, अब उसको और इफेक्टिव रूप से लागू करने के लिए हम लोग ट्रैफिक एनफोर्समेंट सेंटर खोल रहे हैं यातायात प्रवर्तन केंद्र के रूप में, जिसका 3 प्रशाखा होगी। एक मुख्य प्रवर्तन प्रशाखा होगी विच विल टेक केयर ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ एनफोर्समेंट एक्टिविटीज़। एनफोर्समेंट मतलब फाइन कलेक्ट करना और उसको जो जमा नहीं कर रहा है उन लोगों को नोटिस भिजवाना, वो सब। इसी में हम लोग अपना ई प्रवर्तन सॉफ्टवेयर के रूप में जो है जो मैनुअली कर रहे थे, अब उसके साथ साथ अब सॉफ्टवेयर के रूप में भी हम लोग कलेक्ट करेंगे। इसमें किसी का भी फोटो खींचा जाएगा और फोटो के आधार पर जो है उनका वायलेशंस के लिए अलग से फाइन के लिए नोटिस भेजा जाएगा और 7 दिन के अंदर उस नोटिस का कोई रिस्पॉन्स अगर नहीं आता है तो उनको लीगल तरीके से कार्रवाई के लिए वो कोर्ट के माध्यम से उनको नोटिस भेजा जाएगा। पब्लिक यूनिट इंटरफेस सॉफ्टवेयर के तहत फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे सोशल साइट्स पर रांची ट्रैफिक पुलिस 1 हफ्ते के भीतर अपना अकाउंट खोलने जा रही है। इस पर आम लोग अपनी समस्याएं और सुझाव ट्रैफिक पुलिस के पास तुरंत पहुंचा सकेंगे।
एक जनता संपर्क प्रशाखा होगी जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, वेब पेज, एंड्रॉयड ऐप, इन सब के माध्यम से जो है शहर की यातायात परिस्थिति के ऊपर हर एक घंटे पर अपडेट्स मिलते रहेगा। लोगों के लिए भी ये राहत भरी खबर है। आम लोग भी अब घर बैठे ऑनलाइन या फिर SBI बैंक में फाइन भर सकते हैं। प्रशासन का भी मानना है कि उसे ट्रैफिक कांस्टेबल के पैसे लेने की शिकायत से निजात मिल सकेगी। इसी माध्यम से हम लोग ये भी सुविधा बनाने जा रहे हैं कि ताकि अगर कि बहुत बार ऐसे देखा जा रहा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोगों के पास अभी पैसा नहीं लाए हैं तो इसलिए फ़ाइन नहीं पे कर पाएंगे, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग उनको अब चलान बुक का फॉर्मेट ही चेंज हो जाएगा, तो उसमें एक हम लोगों का अकाउंट का एक काउंटर फॉइल रहेगा और उनको जहाँ चाहिए उधर जाके नज़दीक SBI बैंक में जमा करना है तो जमा कर सकते हैं या थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड या ATM कम डेबिट कार्ड के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फ़ाइन जमा करना है तो दे कैन पे देयर फाइन। तो इसलिए इसको सभी के लिए सुविधा भी होगी और आसानी भी होगी और इससे जो अलीज्ड करप्शन एंगल जो रहता है वो भी अवॉइड हो सकता है। ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने की ये व्यवस्था जल्द ही रांची में लागू हो जाएगी। पुलिस जल्द ही व्हाट्सएप नंबर भी जनता के बीच जारी करेगी। इससे ट्रैफिक की समस्या के अलावा राजधानी में अपराध कंट्रोल भी हो सकेगा। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। तो जाहिर है सोशल मीडिया के इस दौर में रांची पुलिस की ये अच्छी पहल है और इससे रांची की ट्रैफिक समस्या दूर करने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है, लेकिन बशर्ते जवान मुस्तैद रहें और जवान फेसबुक और व्हाट्सएप पर मिलने वाली सूचना पर तुरंत काम करें। पूर्व DNA वसुतरा ही, नमस्कार।